हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, टीएस रहमान जो कि जीपी रेटिंग कोर्स के लिए इंडिया में सबसे बेस्ट कॉलेज है, तो उस कॉलेज का फॉर्म निकला हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि उसका डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, कब तक उसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसका एग्जाम डेट कब है, बस उसका प्रोसेस क्या है, उसका फिलअप, उसका जो फॉर्म है आप उसको कैसे फिल करेंगे, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगा, अगर आपको जीपी रेटिंग जो एंट्रेंस एग्जाम होगा टीएस रहमान का, उसका स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको कुछ लिंक मिलेगा। आपको अगर चाहिए तो आप उस लिंक पे क्लिक करके आप वहाँ से स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। सो गाइस, टीएस रहमान का जो वेबसाइट है tsrahman.org, आप जैसे इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, आप गूगल्स के थ्रू तो ओपन करते हैं जो इसका एडमिशन सेक्शन है, आप वहाँ पर जैसे विजिट करेंगे, देखिए आपको यहाँ पे 5 कोर्सेज मिलेगा। तो ये वीडियो जीपी रेटिंग कोर्स के लिए, तो देखिए यहाँ पे नंबर 5 पे लिखा हुआ है जीपी 6 मंथ का कोर्स। तो यहाँ पे साइड में आपको क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हेयर फॉर एडमिशन शेड्यूल एंड अप्लाई। तो आपको यहाँ पर नंबर 5 पे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, तो फिर आप पहुँच जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। अब यहाँ पर कुछ सब कुछ डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए, हाँ देखिए यहाँ पे, देखिए अभी 3 कोर्सेज़ का है। तो पहले आपको बताऊँगा जीपी रेटिंग कोर्स के लिए। तो यहाँ पर जो नंबर 3 के नीचे जो एरो मार्क है, आपको वहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे पूरा दिख रहा है कि इसका 6 मंथ का कोर्स है, इसका फॉर्म ओपन डेट है 26 फरवरी को, ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है फॉर्म। अब इसका फॉर्म उस डेट से फिल कर सकते हैं, और इसका लास्ट डेट है 27 मार्च, मतलब इस महीने का 27 को लास्ट डेट है फिल करने के लिए। तो इसको फिल करने के लिए आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना पड़ेगा, देख सकते हैं अप्लाई पे। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टर्म्स एंड कंडीशन, इसको आप ठीक से पढ़िएगा। यू हैव टू पे ऑनलाइन फीस ऑफ 700 रुपीज़, ठीक है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपको एग्जाम का मतलब कुछ फॉर्म आपको फिर वैलिड नहीं होगा। उसके बाद अपलोड लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। एंड नंबर 3 पॉइंट देखिए, जो इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए यहाँ पे क्या है, पास विथ मिनिमम 40% मार्क्स रहना चाहिए आपका क्लास 10th पे, और इंग्लिश पे मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। या फिर अगर आप 2 साल का ITI कोर्स किए हैं गवर्नमेंट अप्रूव से, उस टाइम आपको मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए, और आपका क्लास 10 में मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए। द कैंडिडेट मास्टर पास द 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, ठीक है। पार्ट टाइम और डिस्टेंस लर्निंग और कोरेस्पॉन्डेंस कोर्स और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस विल नॉट बी कंसिडर, मतलब आपका जो भी डिस्टेंस से अगर आप क्लास 10 पास किए हैं तो उस टाइम पे ये आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एज देखिए लिखा हुआ है 25 मैक्सिमम है, एंड नॉट लेस दैन 17, मतलब 17.5 से 25 ईयर्स के बीच में आपका एज होना चाहिए, ठीक है। और 5 साल का रिलैक्सेशन भी है SC/ST के लिए, और 3 साल का है OBC के लिए, और 2 साल फॉर कैंडिडेट होल्डिंग है डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अगर आपके पास डिप्लोमा या फिर कोई भी डिग्री सर्टिफिकेट है, ठीक है, मतलब अगर आप आर्ट्स से अगर आप BA किए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उस टाइम पे आपका 2 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड देखिए नंबर 6 पॉइंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओरिजिनल इंडियन पासपोर्ट इज कंपलसरी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट्स, मतलब आपके पास इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, तो बिना इंडियन पासपोर्ट का आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। एंड डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन हॉल टिकट विल बी कम्युनिकेटिंग टू यू बाय रजिस्टर्ड ईमेल, आपका जो ईमेल आईडी आप यहाँ पे जो पुट करेंगे उस ईमेल आईडी के थ्रू आपका सब कुछ मिलेगा, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड सब कुछ मिलेगा। तो ईमेल आईडी जो आप पुट करेंगे यहाँ पे ध्यान से ठीक से आप पुट कीजिएगा। एंड ऑनलाइन रिटन एग्जाम विल बी हेल्ड ऑन 2 अप्रैल 2022, ठीक है। तो कोर्स एंड एप्लीकेशन फीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड और ट्रांसफर टू एनी अदर कोर्सेज, एंड नो कम्युनिकेशन विल बी एंटरटेन इन दिस रिगार्ड, मतलब अगर आपका कोई भी अगर आप फीस पे कर चुके हैं उसके बाद इसको आप रिफ़ंड नहीं कर सकते। तो अभी इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा आई एक्सेप्ट बटन पे, उसके बाद आप पहुँच जाएंगे नेक्स्ट पेज पे। इधर आपको पूरा फॉर्म आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे PC एप्लीकेशन, बेसिक डिटेल्स, एड्रेस, अकाउंट, ये चार पोर्टल मिलेगा। देखिए यहाँ पे जो रेड मार्क है ना, रेड स्टार मार्क, आपको मैंडेटरी आपको फिल करना पड़ेगा। आपका पासपोर्ट तो होना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट नेम एज पर पासपोर्ट, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब ध्यान से लिखेगा, बिकॉज एक बार ये गलत हो जाएगा तो फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा नेक्स्ट पे, उसके बाद आप पहुँच जाएंगे बेसिक डिटेल्स, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स, उसके बाद आपको करना पड़ेगा पेमेंट। फिर पेमेंट के बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका जब एग्ज़ाम होगा उससे पहले आपका एडमिट कार्ड आपके ईमेल आईडी पे आ जाएगा। तो इसका प्रोसेस है, ठीक है। इसका क्या है, फिर आपको एग्जाम होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसका साइकोमेट्री टेस्ट होगा, ऐसा पूरा प्रोसेस है। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कोई लिंक मिलेगा, आप उस लिंक से इसका स्टडी मटेरियल ले सकते हैं। तो मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो आई होप कि आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। बस आपको वेबसाइट मालूम होना चाहिए कि इस कहाँ पर क्या मिलेगा। बस धीरे धीरे जो भी आप इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे ध्यान से फिल कीजिएगा ठीक से, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना मत कीजिएगा, बिकॉज एक बार अगर हो जाएगा फिल उसका आप कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज ट्राई टू शेयर दिस वीडियो टू योर अदर फ्रेंड्स हू आर वेटिंग फॉर दिस एग्जाम फॉर्म, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन ऑल्सो, एंड प्लीज hit the like button also. So guys, today I am ending this video here only. Take care and bye.